हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR केमिस्ट्री नाम में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैं नेम रिएक्शन का पोर्शन करवा रहा हूं और इस नेम रिएक्शन के पोर्शन में आज अपन 7 लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस 7 लेक्चर वीडियो के डिस्कस के अंदर अपन ये 4 नेम रिएक्शन इटार, गार्डरमैन कोच, वॉल क्रिस्नर एंड क्लीमेंसन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अपना कार्बन कंपाउंड है और NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैक्सिमम 2 or 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पुटअप होते ही हैं नीट और जेईई मेन एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेम रिएक्शंस बचेंगे वो बचेंगे अपने पास हैलोकॉम, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड कैंडियारो रिएक्शन। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन ये 4 जो क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और बहुत ही काम के हैं आपके एग्जाम्स के पर्पस से। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो आपको सब्सट्रेट गिवन होगा, रिएजेंट गिवन होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अपने नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें जो पहले क्वेश्चन ले रखा है, उसमें मैंने ले रखा कोई एल्काइन ले रखा है, और एल्काइन को जब किसी रेड हॉट ट्यूब से पास करूंगा तो वो बनाता है ए, और उस ए का जब नाइट्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेट HN3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये देता है बी प्रोडक्ट, और इस बी का जब रिडक्शन करवाया जाता है SN+ कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में तो वो देता है सी, और सी फर्दर सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये कन्वर्ट होता है डी में, और डी का जब वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बनाता है ई, और ई का बेसिक मीडियम में जब क्लोरिनेशन करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, दैट मींस Cl3, और फिर फर्दर को एसिडिक मीडियम दिया जाता है तो ये बनता है एफ। ऐसा ही जो दूसरा क्वेश्चन है, उससे मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन का क्लोरिनेशन करवा दिया RN की प्रेजेंस में ए बना, फिर उसका मैंने एसिडिक मीडियम में इसके साथ करा रहा हूँ क्लोरेल के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ जो बन रहा है बी, और बी को एज ए डिसइंफेक्टेंट अपन यूज कर रहे हैं, और अब तो इस पर बैन भी लग गया है। इसके बाद में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो फिनोल है, और फिनोल का जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो ए बनता है, और ए का फिडरक्राफ्ट रिएक्शन करवाई जाती है एल्काइलेशन तो बी बना, और इस बी का जब 2 times अगर अपन क्लोरिनेशन करवाते हैं एसिडिक प्रेजेंस में तो सी बनता है, सी का जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है डी बनता है, जिसका हीट करने से ई बनता है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वही एसिटिलीन या एल्काइन है, जिसका मर्करी आयन की प्रेजेंस में और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ए बनता है, इस ए का रिडक्शन करवाने पर बी बन रहा है, और बी के इन सभी के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है सी बन रहा है। ऐसे ही इस ए को अगर मैं निकल PDPT की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊं तो भी यहां पर क्या बन रहा है, ये बी ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपन एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में मैंने ले लिया एल्काइन। अगर आपको याद हो तो एल्काइन वाला जो चैप्टर है 11 क्लास का, एल्काइन का जो चैप्टर है, उस एल्काइन के चैप्टर में पॉलीमराइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें अपन बात करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो अगर मैं इस एसिटिलीन को जब रेड हॉट ट्यूब से पास करूंगा तो ये एल्काइन कुछ इस तरह से साइक्लाइज होकर के ये क्या देती है, बेंजीन देती है। तो ये इस तरह से जब इस एसिटिलीन को इथाइन को रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो ये क्या बनता है अपने पास, एसिटिलीन बनता है, बेंजीन बनता है। ये अपने पास क्या बन गया, बेंजीन। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास ए बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेंजीन, और जब बेंजीन का कंसंट्रेटेड HN3 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाया जाता है इसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HN3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रेशन से ये क्या बनाएगा, नाइट्रो बेंजीन। कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म है यहां पर, ये आपको याद रखनी है, ये हो गई अपने पास ARSC। कौन सी मैकेनिज्म हो गई, ARSC। अब जब इस नाइट्रो बेंजीन का SnCl2 के प्रेजेंस में SN+ कंसिडर HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाएगा तो ये जो NO2 ग्रुप है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, NH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, और ये अपने पास क्या बच रहा है, एनिलीन। अब आपको याद हो तो डाइजिनम सॉल्ट की जब मैंने कुछ रिएक्शंस बताई थी और उन रिएक्शंस में मैंने ये कहा था कि जब इस एनिलीन की रिएक्शन NaNO2+ कंसर्ट HCl से कराया जाता है तो ये NH2 ग्रुप एक डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस डाइएजोनियम सॉल्ट को वार्म वाटर या मैं कह दूं स्टीम वाटर या मैं कह दूं वाटर के साथ में हीट, तो ये N2Cl रिमूव होकर के
यहाँ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है, OH, और ये OH होता है कि अपने पास फिनोल, और इस फिनोल का जब आप राइमरटिमान, फिनोल की जब राइमरटिमान फॉर्मालेशन कराओगे, राइमरटिमान फॉर्मालेशन कराओगे, देखो पहले तो बेस दे देते हैं अपन, बेस से क्या बना लेगा सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड आयन की जब क्लोरोफॉर्म, और फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ऑर्थो प्लस पेरा, ऑर्थो पर सीएचओ ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसके पेरा पोजीशन पर सीएचओ ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिनको जब एसिडिक मीडियम दिया जाएगा तो एक एन की जगह अटैच हो जाएगा, यहां पर एच अटैच हो जाएगा, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइड प्लस पेरा हाइड्रोक्सी बेंजाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो इस तरह से था, इसमें मैंने यहां पर एक नेम रिएक्शन अटैच कर दी, वो कौन सी थी, ये वाली राइमरटिमान फॉर्मलेशन, ये रिएक्शन मैंने इंक्लूड कर दी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उस दूसरे क्वेश्चन के अंदर अपन ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर, पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उस दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए तो जब बेंजीन का, देखिए बेंजीन का एफ ई के प्रेजेंस में करा सकते हैं क्लोरिनेशन या एफ ई सी एल थ्री के साथ क्लोरिनेशन करा सकते हैं, ये मैंने जब हैलोजनेशन और बेंजीन बताई था मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आप जब इसका क्लोरिनेशन कराओगे एफ ई के प्रेजेंस में तो ये देता है ए आर एस ई, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इस क्लोरेल से कराई जाएगी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एस टू एसओ फोर की प्रेजेंस में, तो अगर आपको याद हो तो ये क्या बनाता है, डीडीटी का फॉर्मेशन करता है। अब ये डीडीटी बना कैसे, तो देखो मैं इस रिएक्शन को इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ध्यान रखना, ये मैंने क्लोरोबेंजीन को मैं इस तरह से अरेंज करता हूं, यहां मैंने ले लिया क्लोरेल, ठीक है, और ये मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, और अपन जानते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डीहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो यहां से ये क्या रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, और वाटर रिमूव होने के बाद में जो रिमेनिंग अपने पास बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है, ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल, या इसको ऐसे देखो सी एच ओटे सी एच बच गया नहीं है तो सी एच से अटैच कर देते हैं इसको ऐसे सी सी एल थ्री, तो ये बन गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन बन गया, दैट मीन्स ये अपने पास क्या बन गया, डीडीटी का फॉर्मेशन हो गया। तो जो अपने पास जो बी कंपाउंड है वो कौन सा है, डीडीटी है, और इस डीडीटी को अपन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते थे, ओल मूलर था जिसने सबसे पहले इस डीडीटी का प्रिपरेशन किया था, फॉर्मेशन किया था, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग उसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। चलिए ये अपना सेकेंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर अपन ने एक नेम रिएक्शन इंक्लूड कर दी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब मैंने बेन फिनोल की रिएक्शन, देखो इससे जो लास्ट वाला जो वीडियो था अभी कल ही, इससे पहले जो रिडक्शन का वीडियो था, थर्ड नंबर रिडक्शन का वीडियो, उसमें अपन ने फिनोल का रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और उस रिडक्शन के अंदर मैंने ये कहा था कि जब फिनोल का रिडक्शन जिंक डस्ट के प्रेजेंस में करवाया जाता है तो वो ZNO के रूप में बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, बेंजीन को रिमेनिंग छोड़ देता है या बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। और अगर ऐसे ही आपको याद हो तो अगर मैं निकल पीडीपीटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया था तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन होता था, तो जैसे मैंने जिंक डाला ये जिंक क्या करेगा, इस ऑप्शन को बाहर निकाल देगा, ये क्या बन गया, बेंजीन। अब देखिए जब बेंजीन का अगर मैं मिथाइल क्लोराइड से या मैं कह दूं एल्कालेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करवाई जाती है तो आपको याद होगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन अपने पास, फिडल क्राफ रिएक्शन, वो भी कौन सी, एल्काइलेशन हो रहा है, और इसमें ये क्या बनाता है, टॉलुइन का फॉर्मेशन करता है, याद है। अब फिर ये कह रहा है कि इसको टू टाइम्स मैंने क्या किया, क्लोरिनेशन करवाया, तो यहां से क्या होगा, टू एस सी एल बाहर निकल गया और ये दोनों सी एल अटैच हो गए। देखिए एक सी एल एक बार एक एच सी एल निकलेगा, फिर दूसरी बार में दो HCl बाहर निकल जाएंगे,
और ये दो सीएल अटैच हो जाएंगे। अब इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो हाइड्रोलाइसिस कराते ही अपन जानते हैं कि इसी एक ही कार्बन पर सीएल अटक करके यहाँ से एच सीएल बाहर निकल गया और यहाँ से HCl बाहर निकल गया। तो एक ही कार्बन पर दो OH अटैच हो गए और अपन जानते हैं कि एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस तरह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये एक कार्बोनिल कंपाउंड दैट मींस बेंजाइडाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपके पास में ये जो कंपाउंड वो बना बेंजीन, और बेंजीन का जब एल्कालेशन HCl एल्कालेशन करवाया तो टोलुइन बना, और टोलुइन से ये क्या बन गया, ये जो कंपाउंड है वो बन गया, और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये कंपाउंड बना, और जब हीट करवाया तो लास्ट में अपने पास ये बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CHO। चलिए आगे अपन बात करें तो चौथे क्वेश्चन में एसिडिन ले ली, और एसिडिन का अपन मर्क्यूरस आयन की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो ये अगर आपको याद हो तो ये जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, कुचेरोव रिएक्शन थी, और कुचेरोव रिएक्शन मैंने आपको बताया था केवल एल्काइन में इथाइन ही है जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है और सारे एल्काइन्स कार्बन कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा Hg2+ की प्रेजेंस में, और एक और मैंने ये कहा था कि यहाँ जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप Hg+2 की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ जो ए बन रहा है इससे वो ए क्या बन जाएगा अपने पास, CH3CHO बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। अब देखिए इस इथेनॉल का अगर मैं ये कहूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराऊं या निकल PDPT से रिएक्शन कराऊं या सोडियम प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस में कराऊं या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराऊं, ये मैंने रिडक्शन के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो एल्कोहल कौन सा बनेगा अपने पास, इथेनॉल। तो ये जो बी बन रहे हैं वो क्या बन रहा है अपने पास, इथेनॉल। और आपको याद रखना है कि भले इथेनॉल की रिएक्शन भले PCl3 से कराओ, PCl5 से कराओ, SOCl2 से कराओ पिरिडीन की प्रेजेंस में, SN2 मैकेनिज्म ठीक है, और ऐसे ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 के साथ में कंसंट्रेट HCl, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये OH को बाहर निकालेगा और यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। ये तो थे अपने चार क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पर्पस से। चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं रिमेनिंग जो नेम रिएक्शंस बच रही हैं अपने, उन नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए अगर क्लीमेंशन रिएक्शन की बात करूं और वॉल क्रिस्मेंट रिडक्शन की बात करूं तो ये रिडक्शन अपन डिस्कस कर चुके हैं रिडक्शन टॉपिक के अंदर, जो मेरा सेकेंड वॉल्यूम है रिडक्शन का, उस रिडक्शन वॉल्यूम में मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए फिर भी अपन यहाँ एक और डिस्कस करेंगे एक बार। चलिए इससे पहले अपन बात करेंगे सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है, दैट मींस बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है। तो ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड बन रहा है वो अपने पास क्या बन रहा है, इसमें बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगेगा, CHO ग्रुप, दैट मींस बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में होती है, तो देखिए पहले तो ये होता है क्रोमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और फिर उसका सेकेंड स्टेप में क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है ठीक है। होती कैसे रिएक्शन, तो मैंने ये ले ली एल्काइल बेंजीन और उस एल्काइल बेंजीन में मैंने ले लिया टॉलविन। जब इस टॉलविन की रिएक्शन मैंने CrO2Cl2 से करवाई, क्रोमिल क्लोराइड से करवाया, तो ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट बन रहा है। देखिए गौर से ओ ओ CrOHCl CrOHCl, और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो देखिए हाइड्रोलाइसिस के अंदर याद रखना है हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस मेटल यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव क्या होगा, जब इसका आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां से क्या होगा, जब वाटर एड होगा तो यहां OH अटैच हो जाएगा, यहां OH अटैच हो जाएगा, तो यहां दोनों ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच हो जाएगी, दो H+ जुड़ जाएंगे,
और ये जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन करवाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि एक ही कार्बन पे अगर दो OH आ जाते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन्स बेंज एल्डिहाइड में। इसी रिएक्शन का अपन क्या नाम देते हैं, इटार्ड रिएक्शन देते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कैसे नए क्वेश्चन में एड कर रहा हूँ वो देखिए। मैंने ले लिया एसिटिलीन, और इस एसिटिलीन का जब मैंने रेड हॉट ट्यूब से पास करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, बेंजीन बन गया। और जब इस बेंजीन का आप एल्काइलेशन कराओगे एनहाइड्रस HCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा अपने पास, टॉलोइन, फिडल कार्ड एल्काइलेशन। और जब इस टॉलोइन की रिएक्शन आप क्रोमिल क्लोराइड, पहले क्रोमिल क्लोराइड से कराओगे और फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो ये अपने पास बनने वाले जो कंपाउंड होगा क्या हो जाएगा, बेंजाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ईटा रिएक्शन अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कीजिए, हो गया नोट। चलिए आगे चलते हैं, इसको सेकंड जो रिएक्शन अपने पास, वो रिएक्शन अपने पास गार्टरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गार्टरमैन कोच रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन में अपन ने बेंजीन डाइएथिलीन क्लोराइड की जब सेलमेयर गार्टरमैन रिएक्शन जब मैंने करवाई थी बाल सीवन तब भी अपन डिस्कस किया था। एक्चुअल में गार्टरमैन रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत ही इजी भी है, सॉरी गार्टरमैन कोच रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है। होता क्या है कि गार्टरमैन रिएक्शन में, गार्टरमैन कोच रिएक्शन, इस गार्टरमैन कोच रिएक्शन की बात की जाए तो कार्बन मोनोक्साइड किसके साथ बाइंड होता है, HCl के साथ बाइंड होता है। तो बेंजीन की रिएक्शन जब CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या बनाता है, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखिए, आपको क्वेश्चंस में या तो आपको ये दिया जा सकता है या ये पूछा जा सकता है, ये देकर के ये प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, या ये देकर के आपसे रिएक्टेंट पूछा जा सकता है। तो यहां से ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, गार्टरमैन कोच रिएक्शन होती है। और जो गार्टरमैन रिएक्शन होती है, वापिस रिपीट कर लेते हैं अपन, वो कॉपर साल्ट की कॉपर के प्रेजेंस में HCl से करा दो या कॉपर के प्रेजेंस में HBr से करा दो, तो यह बनता है क्लोरोबेंजीन और यह बनता है ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो रिएक्शन थी वो अपने पास कौन सी थी, गार्टरमैन रिएक्शन थी स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, यहाँ ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, कई बार क्वेश्चन इजी वे में आ जाता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके चक्कर में, नामों में कंफ्यूजन हो जाता है, गार्टरमैन गार्टरमैन, फिर ये कोच है और ये केवल रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये गार्टरमैन रिएक्शन और ये गार्टरमैन कोच रिएक्शन है। चलिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है वो अपने पास बच रही है क्लीमेंशन एंड वॉल क्रिस्नर रिडक्शन। तो देखिए, ये दोनों ही रिएक्शन किसकी, एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड की है। किनकी है, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में अपन ये कहते हैं कि एल्केन बनाने के लिए क्लीमेंशन और वॉल क्रिस्नर रिडक्शन का यूज किया जाता है। तो मैं पहले लेता हूं यहां पर क्लीमेंशन रिडक्शन, और यहां ले लेता हूं मैं वॉल क्रिस्नर रिडक्शन। ध्यान रहे, दोनों ही रिएक्शन से क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में अपन यूज करते हैं ZnHg, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स मैं क्या कहता हूँ, एल्केन में कन्वर्ट होता है। और वॉल क्रिस्नर रिडक्शन दो स्टेप में होती है, सबसे पहले ये हाइड्रोजीन से रिएक्ट करती है और सेकेंड इसका बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाने पर ये क्या देता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो होगा क्या इसमें, सबसे पहले ये कार्बन कंपाउंड इस हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा कुछ इस तरह से, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां पर वाटर बाहर निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा इस कंपाउंड का हाइड्रेजोन, यानी हाइड्रोजन क्या बना लेगा, हाइड्रेजोन। और जब इस हाइड्रोजन को आप बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल ऐड करोगे तो यहां से ये N2 गैस रिलीज हो जाएगी और ये कंपाउंड
क्या बना लेगा, एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो यहाँ आपको याद रखना है ये दो स्टेप में हो रही है और ये सिंगल स्टेप में हो रही है। देखिए क्वेश्चंस लेते हैं अपन, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। मैंने ये कंपाउंड लिया CH3CH, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये कैसे बना, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है कि अगर मैं इथाइल एल्कोहल ले लूं और इस इथाइल एल्कोहल का PCC के प्रेजेंस में मैंने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। ऑक्सीडेशन वाले सेशन में अपन इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन करवाया तो फिर मैंने ये कहा कि इस कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन मैं कुछ इन कंपाउंड के प्रेजेंस में करा रहा हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया मैंने, ऐसे ही ZnHg और कंसंट्रेटर HCl ले लिया मैंने, और इसी तरह से मैंने ले लिया फर्स्ट हाइड्रेजीन और सेकंड मैंने ले लिया बेस के प्रेजेंस में क्या डाल दिया, ग्लाइकोल, और थर्ड मैंने ले लिया रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है। तो अपन जानते हैं जब सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो ये रिड्यूस होकर के कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो भी यही प्रोडक्ट देता है। ऐसे अगर मैं निकल पीडी और प्लेटिनम डालूंगा तो भी यही कंपाउंड मिलेगा, एल्कोहल एल्कोहल। लेकिन जब क्लीमेंशन रिएक्शन की बात होगी, अब आपको पहचान में आना चाहिए कि जब ZnHg प्लस कंसंट्रेटर डल रहा है और क्या डल रहा है, कार्बोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो कौन सी है, क्लीमेंशन रिएक्शन है। तो ये जितने कार्बन उतने कार्बन का क्या देगा, एल्केन देगा। दूसरी है जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और फिर बेसिक मीडियम में ग्लाइकोल डालते हैं तो ये वॉल प्रेशर रिएक्शन होगी और ये भी क्या देगा, एल्केन देगा। और अपन जानते हैं यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट दैट मींस रेड फॉस्फोरस HI, ये तो 100% कंपाउंड रिड्यूस करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आज अपन ने चार क्वेश्चन और ये चार नेम रिएक्शन कंप्लीट कर ली, और इन चार क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था, उन चारों क्वेश्चन में अपन ने राइमर डिमांड फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, बेनियम का नाइट्रेशन डिस्कस कर लिया, और फिडल का एल्कालेशन भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स बारी बारी में से मैं जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन सब कंप्लीट कराता जाऊंगा, और हो सकता है कि मैं 11th और 12th की जो सेकंड पार्ट है, दोनों सेकंड पार्ट वो मैं कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करूँ पूरे कंप्लीट वीडियो के साथ में। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को, कंप्लीट वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। और 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे 100% हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे नए हैं वो मेरे इस चैनल AR केमिस्ट्री धाम को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी नए वीडियोस का मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।